हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक आर रिएक्स एडिटर चैनल। सो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो फिर आज आप लोग को हम कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाएंगे, फेस को कैसे आप लोग फुल HD स्मूथ कर पाएंगे। देखिए, आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो अभी तक आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर बिना देर के वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिर आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। देन लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने बाद सिंपली आप लोग लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड लाइट वाले ऑप्शन पे आने बाद सिंपली आप लोग को वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा अपने फोटो के हिसाब से। तो 38 बढ़ा दे रहे हैं। इतना करने बाद सिंपली आप लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड आप लोग को देखिए बैलेंस को 100 कर देना होगा। ठीक है भाई, बैलेंस को 100 करने के बाद सिंपली देखिए हाइलाइट्स है ना ऊपर, थोड़ा सा आप लोग कुछ इस तरीके से अपने फोटो जब से एडजस्ट कीजिएगा। तो सेचुरेशन को 3 कर दे रहे हैं। 3 करने के बाद सिंपली यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। ठीक है भाई, डन करने के बाद सिंपली हम लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आप नोइज रिडक्शन को 100 कर देना होगा। एंड डिटेल्स को भी आप लोग को 100 कर देना होगा। इतना करने के बाद सिंपली आपको फिर से इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड ब्लेस को कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कम कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 44 माइनस कर दे रहे हैं। एंड सेचुरेशन सॉरी फ्रेंड, शेडो को आप लोग 100 कर देना होगा। हाइलाइट्स को भी आप लोग को 100 माइनस कर देना होगा। एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा, 10 बढ़ा दे रहे हैं फ्रेंड। इतना करने के बाद सिंपली देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग इस ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड मिक्स पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोग मिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसका सेचुरेशन आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा। एंड इतना करने के बाद सिंपली आप लोग फिर से इस ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड इसका सेचुरेशन भी आप लोग को 100 कर देना होगा। और फिर से इतना करने के बाद सिंपली आप लोग इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड इसका सेचुरेशन कुछ इस तरीके से 100 माइनस कर दीजिएगा। इतना करने में सिंपल इस वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड इसका सेचुरेशन आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा। देखिए फिर आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करने के बाद सिंपल आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाइएगा। एंड इसका सेचुरेशन कुछ इस तरीके से 45 माइनस कर दीजिएगा। एंड ल्यूमिनस को कुछ इस तरीके से बढ़ा लीजिएगा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से। तो 100 बढ़ा दे रहे हैं। इतना करने के बाद सिंपल आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड इसका ल्यूमिनस कुछ इस तरीके से बढ़ा लीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से। तो 69 बढ़ा दे रहे हैं। इतना करने बाद सिंपल लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने बाद सिंपल लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड देखिए ऊपर एक प्लस वाला आइकन होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। एक ब्रश ओपन हो जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे आप लोग। एक छोटा सा बिंदु ओपन हो जाएगा, उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। और कुछ इस तरीके से सिर्फ आप लोग अपने लिप्स पर अप्लाई कीजिएगा। होंठ को लाल करने बाद सिंपल लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने के बाद सिंपल लोग इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे और फिर से इसी वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। और कुछ इस तरीके से आप लोग बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, बड़ा करने बाद सिंपल आप इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड क्लियरिटी को आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो 42 कर देना है, 42। ठीक है मेरे भाई, 42। इतना करने बाद सिंपल आप लोग देखिए इस वाले ऑप्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। टेक्सचर को 10 कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद सिंपल आप लोग यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद सिंपल आप लोग फिर से आ जाना होगा लाइट वाले ऑप्शन पे। लाइट वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आप लोग एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ा लीजिएगा ताकि आप लोग के फेस पर लाइट आ जाए। तो फिर हम लोग एडिट कर चुके हैं लाइट एप्लीकेशन के अंदर। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो सिंपली फिर फोटो को हम लोग सेव कर लेंगे। तो फिर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपने फोटो को सेव कर चुके हैं। देन सेव करने के बाद सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। एंड इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आप लोग शेयर कर लेना होगा पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो मेरा फोटो शेयर हो चुका है पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए फिर कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे आप लोग शेयर करेंगे तो सिंपली आप लोग देखिए कुछ करना नहीं है। ठीक है, सिंपली आप लोग को रिटच वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा। एंड रिटच वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपली आप लोग देखिए आई कलर होगा। ठीक है, सिंपली आप लोग आई कलर पे क्लिक कर लीजिएगा। एंड आई कलर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ बहुत सारा आई लेंस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप लोग अच्छा वाला कोई सा भी आप लोग यूज कर लीजिएगा। एंड आप लोग ओपेसिटी को बढ़ा लीजिएगा, फोटो को जूम कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से आई में आप लोग आई लेंस को अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग एडजस्ट करेंगे तभी आप लोग का आई अच्छा दिखेगा, यानी मतलब कि आई लेंस परफेक्ट बैठ पाएगा आप लोग के आँख में। ठीक है मेरे भाई, आँख के अंदर जो भी लेंस होता है। तो सिंपली इतना करना, सिंपली यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने देखिए अपन कितना अच्छे तरीके से हमारा लेंस लग गया हमारे आईज में। तो सिंपली आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने के बाद सिंपली आप फिर से रिटच वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा। एंड रिटच वाले ऑप्शन पर आने के बाद सिंपली आप लोग देखिए हेयर कलर होगा, उस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। देन उस पर क्लिक करने बाद देखिए ऑटोमेटिक आप लोग का हेयर कलर हो जाएगा। तो पहले आप लोग इरेज कीजिएगा जो भी आप लोग के हेयर पे इफेक्ट गया होगा। तो सिंपली हम इरेज कर देते हैं। एंड इरेज करने बाद सिंपली रेड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड आप लोग को मैनुअल पे क्लिक कर लेना होगा। ठीक है,
मैनुअल पे क्लिक करने में अमाउंट को आप लोग कम कर देंगे एंड सिर्फ आप लोग अपने लिस्ट पे अप्लाई कीजिएगा। एंड बहुत भाई लोग कमेंट करके बोलते हैं भाई लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर मेरे होट पे लाल ही नहीं लग पाता है, तो आप लोग पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर भी आप लोग होट को लाल कर पाएंगे। एंड इतना करने बाद सिंपल आई में भी हल्का हल्का ड्रॉ कर लीजिएगा ये जो रेड इफेक्ट है, ठीक है भाई, ताकि आप लोग का आई बहुत गजब का दिखे, यानी गजब लुक आ जाए आप लोग के आँख में, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए कुछ इस तरीके, सिर्फ ये देखिए जो आई लेंस है ना वाइटनेस जहाँ होगा सिर्फ आप लोग वहीं पे अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए अपन कितना अच्छे तरीके से हम अपने आई लेंस में रेड टोन को अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ से आप लोग अमाउंट को बढ़ा लीजिएगा, इतना करने बाद सिंपल यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने बाद देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना हो गया ना। तो फिर हम लोग एडिट कर चुके पिकशॉट एप्लीकेशन के अंदर, देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो सिंपल फिर इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। तो फिर फोटो सेव करने बाद आप लोग को शेयर कर लेना होगा ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोग जान जाएंगे फुल एचडी फोटो को कैसे स्मूथ किया जाता है। देन हम लोग शेयर कर चुके हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक के अंदर, तो सिंपल आप लोग इस वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा। एंड इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद सिंपल आप लोग स्मोज सेकेंड नंबर ब्रश यूज करना है, ठीक है मेरे भाई। सेटिंग देख लीजिए आप लोग, साइज अपने हिसाब से रखिएगा एंड फॉलो को वन रखिएगा एंड स्ट्रेंथ को भी वन रखिएगा। देखिए फिर ये जो ब्रश है ना, जो ब्रश ये वाला है, ये वाला ब्रश को आप लोग यूज करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग का फेस स्मूथ होगा। यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन भी होगा, ग्लो भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, यहाँ से डार्केन भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग को स्मूथ करना है फेस को, तो सिंपली आप लोग बैक आ जाइएगा। देन बैक आने के बाद सिंपली देखिए आपको दिखाते हैं फुल एच डी स्मूथ करके, ठीक है भाई, फुल एच डी स्मूथ करके दिखाएंगे। यहाँ से आप लोग साइज को बढ़ा घटा सकते हैं एंड देखिए फोटो को जूम कर लेंगे एंड कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस पे ड्रॉ कीजिएगा। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा फेस स्मूथ हो रहा है, उसी तरीके से आप लोग को भी ड्रॉ करना होगा, तभी आप लोग का फोटो बहुत ही अच्छा फुल एचडी में फोटो स्मूथ, यानी मतलब आपका फेस स्मूथ होगा। तो फिर आप लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में आप लोग सोचते हैं कि भाई वन क्लिक में कोई ऐसा एप्लीकेशन आ जाए जिससे हम लोग फोटो एडिटिंग कर लें, और आप लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिटिंग में, ठीक है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तभी आप लोग एडिटिंग जान पाएंगे। एंड देखिए फिर मैं बताता हूँ, अगर आप लोग जितना ज़्यादा फेस वाइट एंड फेस स्मूथ में फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए बेटर होगा, ताकि देखिए फिर फेस स्मूथ करने के टाइम ना 10 मिनट 5 मिनट फोकस करना पड़ता है। आप लोग फोकस कीजिएगा फेस पे, तभी आप लोग का फेस बहुत ही अच्छे तरीके से फेस स्मूथ होगा। देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ अपने ब्रश को, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा फेस स्मूथ हो रहा है, वो भी फुल एचडी में। देखिए मैं कितना अच्छे तरीके से मेरा फेस स्मूथ हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ ब्लैक भी हो गया ना, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ना ऊपर नीचे गोला बनाएंगे ना, तो आप लोग का जो भी ब्लैक ब्लैक आता है सोल्व हो जाएगा, यानी मतलब कि आप लोग के फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा। तो फिर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने फेस को स्मूथ कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं भाई फेक वीडियो बनाते हो, जल्दीबाजी में आप फेस को स्मूथ करके वीडियो को फास्ट कर देते हो। तो फिर देखिए मैं पूरा फेस को स्मूथ करके आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे हेयर है ना, तो यहाँ से साइज को आप लोग कम कर लीजिएगा एंड फोटो को जूम कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है भाई। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जो भी हमारा हेयर है ना और हमारा फेस जहाँ व्हाइट है एक ही में मिक्स हो जा रहा है, और ब्लैक ब्लैक कोई चांस नहीं है फ्रेंड, जो ब्लैक ब्लैक आ जाए हम लोग के फेस के ऊपर। तो इसलिए कहते हैं फ्रेंड पूरा वीडियो वॉच कीजिए, तभी आप लोग मेरे जैसा एडिटिंग सीख पाएंगे। देखिए यहाँ बहुत सारा हेयर था एंड बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब बाल था, ठीक है। तो बाल को हम लोग देखिए कितना अच्छे तरीके से एक ही में स्मूथ कर चुके हैं, और पता भी नहीं चल रहा है सर पे हमारे हेयर था इधर जो वाइट हुआ है वहाँ पे, ठीक है भाई। तो आप लोग क्या करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप लोग जान पाएंगे हम फेस को कैसे स्मूथ करते हैं। तो देखिए भाई कितना अच्छे तरीके से फुल एच डी में फेस स्मूथ कर चुके हैं। तो आशा करते फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग डायरेक्टर से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। आप लोग को क्या करना होगा, कोई जल्दीबाजी में फेस को स्मूथ नहीं करना होगा, हल्के हाथों से कीजिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।